Now let us have understanding that how to make the calculation of VAR for 10 days. उसके लिए हमको एक छोटा सा पॉइंट समझना पड़ेगा. इट इज समथिंग लाइक दिस. सपोज द वेरियंस फॉर द एंटायर ईयर इज 25. हमने एक सिक्योरिटी का रिटर्न्स का वेरियंस फाइंड किया एंड इट इज 25. तो बेसिकली जो वेरियंस का यूनिट टर्म होता है ना वो होता है परसेंटेज स्क्वेयर. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 5%. वी अंडरस्टैंड इट्स द 25 अंडर रूट. ना सपोज कि ये जो मेरे पास ईयरली वेरियंस और ईयरली स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके ऊपर से मुझे 6 months का वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है. तो 6 months का वेरियंस कैसे होगा? 12.5. कैसे? 12.5% इज कैलकुलेटेड एज 25 डिवाइड बाय 2. बट 6 महीने का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5% नहीं होता. 2.5% इज रॉन्ग. दैट इज 12.5%. 12.5% स्क्वेयर उसका अंडर रूट यानी कि इसका आंसर होगा 3.5355. ऐसा करके हमको 6 महीने का वेरियंस और 6 महीने का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना पड़ेगा. अगर मुझे 6 महीने के स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर से 6 महीने का एक साल के स्टैंडर्ड डेविएशन से मुझे एक साल के स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर से 6 महीने का स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्टली फाइंड करना है. एक साल के स्टैंडर्ड डेविएशन से 6 महीने का स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्टली फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 5% इंटू, लिसन केयरफुली, अंडर रूट ऑफ 6/12 ऐसा करना पड़ेगा. सो ओवर हियर इट इज 6/12 इज ऑफकोर्स 0.5. उसका रूट किया जाएगा, इंटू 5 करेंगे एंड यू विल गेट द सेम आंसर. दिस इज द वे वी मेक द कैलकुलेशन ऑफ 6 months स्टैंडर्ड डेविएशन. नाउ फ्रेंड्स, जब हमको VAR कैलकुलेट करना है फॉर 10 डेज तो उसके लिए हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा. VAR फॉर 10 डेज विथ 99% कॉन्फिडेंस लेवल. उसके लिए ऐसा किया जाएगा, इट इज वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू जेड स्कोर इंटू अंडर रूट ऑफ टाइम पीरियड. ऐसा किया जाएगा. देखो क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है दैट नील होल्ड्स 1 crore इक्विटी शेयर्स, यानी ये वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो हो गया, हुज मार्केट स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2% पर डे. तो ये एक दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन है और मुझे यहां पे 10 दिन का आंसर कैलकुलेट करना है. इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पे हमको हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा. इट इज वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो इज 1 crore इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन हमको दे रखा है, इट इज 2% इंटू जेड स्कोर. मैंने यहाँ पे 99% लिखा इसलिए 2.33 इंटू क्या किया जाएगा? अंडर रूट ऑफ टाइम पीरियड किया जाएगा. तो हम लोग क्या करेंगे, एक दिन के स्टैंडर्ड डेविएशन को 10 दिन के स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करेंगे. सो द आंसर वुड बी 1 crore इंटू 2% इंटू 2.33. That comes to 466,000.
इनटू अंडर रूट ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना 10 थे उसका अंडर रूट किया जाएगा इनटू 466,000, दैट कम्स टू रुपीस 14,73,621. सो दिस इज द वीएआर ऑफ 10 डेज विथ 99% कॉन्फिडेंस लेवल. So 1473621, and similarly we have to do it for 95%. Now similarly for 95% confidence level. So VAR for 10 days, comma, with 95% confidence level. It is value of the portfolio into standard deviation into under root of time period into Z score. One crore into 2% into under root of 10 into 1.645. So it is 3,29,000. It is into under root of 10. So it is 10,40,000. 389. Please write an answer. So this is the way we are required to make the calculation of 1 day and 10 days. VAR with 95% and 99% confidence level.